अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोई कैंड इजी शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चने की दाल लिया आधा किलो, चिकन लिया आधा किलो, प्याज लिया एक मीडियम साइज़ का जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून, नमक लिया 1 टेबल स्पून, सूखा मिर्च पाउडर लिया 1 टीस्पून, कुटे हुए लाल मिर्च लिए 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया 1 टीस्पून, साबुत सफेद जीरा लिया 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया लिया 1 टेबल स्पून, हरा धनिया लेंगे 2 टेबल स्पून, पानी लेंगे हम हसबे जरूरत। शामी कबाब बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले दाल, अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 हम इसमें डालेंगे और 1/2 हम बाद में यूज करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, सूख मिर्च पाउडर, कुटे हुए लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, साबुत धनिया, गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसे मैंने मिक्स कर लिया है। आपने इसमें इतना पानी डालना है कि दाल आपकी भीग जाए, ज्यादा पानी नहीं डालना। अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। 10 मिनट के बाद जो है हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टीम निकलने पे कवर खोल देंगे। 10 मिनट बाद मैंने स्टीम निकलने पे कवर खोल दिया। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें पानी अब हम इसे जो है हाई फ्लेम पे भून लेंगे। मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला के इसे ऐसे मिक्स कर रही हूँ। दाल इसमें खुद ब खुद मिक्स होती जा रही है, हमें इसमें घोटा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दाल ऐसे ही मिक्स हो जाएगी। इसको मैंने इस मुसलसल चम्मच चला के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। ये तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें जो हड्डियां हैं वो निकाल के अलग कर लेंगे। इसे मैंने बाउल में निकाल के ठंडा करके इसमें से मैंने हड्डियां निकाल ली हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पर आप नमक मिर्च चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो मजीद ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके शामी कबाब तैयार करेंगे। शामी बनाने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसका एक बॉल बना लेंगे। इसका मैंने बॉल बना लिया। अब हम इसे हाथ से प्रेस करेंगे और इसे शामी की शेप देते जाएंगे। इसको मैंने शामी की शेप दे ली है, ये तैयार है। इसको हम प्लेट पे रख देंगे। ऐसे ही हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। मैं तमाम तैयार करके आपको फिर दिखाती हूँ। तमाम शामी कबाब मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पर अब जितनी जरूरत है मैं उतने फ्राई कर लूंगी, बाकी को फ्रीज कर लूंगी। मैंने मीडियम साइज के शामी कबाब बनाए हैं, आप चाहे तो इससे छोटे भी बना सकते हैं और इससे बड़े भी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। शामी फ्राई करने के लिए हम एक अंडा लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। अब हम इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे और अब हम इसे फेंट लेंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया। अब हम इसमें शामी डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। शामी फ्राई करने के लिए हम एक तवा लेंगे। मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मीडियम फ्लेम ऑन करके गर्म कर लेंगे। इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया। अब हम इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम शामी डालेंगे। शामी इसमें मैंने डाल दी है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे एक साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी। अब हम इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आ गया, ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये फ्राई है, मैं इन्हें प्लेट में रख के डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
कैंडीजी चिकन शामी कबाब हमारे तैयार हैं। अगर आप इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अगर आपको ये चिकन शामी कबाब की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज।